जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का किया ऐलान। बीजेपी का पलड़ा भारी होने की संभावना। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीते मंगलवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने समर्थकों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए आप लोग भाजपा का समर्थन करें। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर लोकसभा 73 सीट से टिकट दिया था, लेकिन नामांकन करने के बाद उनका टिकट काट कर सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट देकर बसपा ने मैदान में उतार दिया। जौनपुर से धनंजय सिंह ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अपहरण मामले में उन्हें 7 साल की सजा हो गई। इसके बाद वह जेल चले गए थे। उन्हें 1 मई को बरेली जेल शिफ्ट किया गया था, तभी हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो धनंजय का समर्थन भाजपा को मजबूत स्थिति प्रदान कर सकता है। जौनपुर लोकसभा सीट पर 2 लाख से ज्यादा क्षत्रिय वोटर हैं। कृपा शंकर सिंह भी क्षत्रिय हैं और धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने से यह वोट बिखर रहा था। जौनपुर में धनंजय सिंह की इस वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। अब उनके भाजपा के साथ आने से भाजपा काफी मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जनता के हित के लिए लड़िए, डरिए मत, और हम सब लोग इसी बात